ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह ही काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आपको मैं सिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या है वो चीज़? दोस्तों, कई बार अगर आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने की LIC पॉलिसी ली है अभी, और पॉलिसी लेने के बाद आप में से कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि पॉलिसी के बाद आप लोग अपना जो है LIC की जो वेबसाइट है उस पर आप कस्टमर ID अपनी बना सकते हैं, कस्टमर पोर्टल आप बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने कस्टमर पोर्टल से सारे काम कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, उसमें आप का अगर मान के चलते कि आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, वो चेक करना चाहते हैं, कौन सी पॉलिसी आपने ली है वो चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई पुरानी पॉलिसी है तो कितना आपका उस पर बोनस ऐड हो चुका है ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जैसे कि प्रीमियम पेड स्टेटमेंट, जो कि अगर आप GST में डिडक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी रिक्वायर्ड होता है। अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपका प्रीमियम पेड स्टेटमेंट काफ़ी जगह लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से, और अगर आपको फ्रेंड्स अगर बिजनेस है तो अगर आप GST, ऑब्वियसली आपका GST होगा, आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, आपको ये स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ही पोर्टल से कर पाएंगे, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप अपना प्रीमियम भी अपने कस्टमर पोर्टल से ही जमा कर सकते हैं, अपने पेटीएम, फ़ोनपे या फिर आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसकी मदद से। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको कहीं इतनी गर्मी में धूप में नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने घर बैठे अपने AC में पंखे में बैठिए, आराम से पंखे के नीचे ही बैठ के आपको क्या करना है, अपना सिर्फ एक स्मार्टफोन लेना है, डिवाइस लेना है, और उसमें आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, यही एक शर्त है कि सिर्फ आपको इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। और आज मैं आपको आपके मोबाइल से सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपना कस्टमर ID बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि कस्टमर ID कौन लोग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिनकी भी LIC पॉलिसी है वो अपनी कस्टमर ID बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना होगा वो तो मैं आगे आपको वीडियो में बताने ही वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, कस्टमर ID बनाने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहला आपको मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जब आपने पॉलिसी ली थी उसमें जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है आपको। और इसी के साथ साथ आपकी Gmail ID या फिर Email ID, जो भी ID आपने उस टाइम पर दी थी, Gmail, Email, Yahoo कोई भी वो ID हो सकती है, वो भी यहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ती है, इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपने LIC करवाते टाइम जो डॉक्यूमेंट दिया था उस पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन थी वो डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ये तीन चीज़ें आपकी यहाँ पे लगती हैं और आपका जो है कस्टमर पोर्टल बन जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसे हमारा कस्टमर पोर्टल बनता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे करना सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ स्क्रीन पर भी शो करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप चल के अपना कस्टमर जो पोर्टल है उस पर आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है, और फ्रेंड्स आपको भी इस तरीके से अपने फ़ोन में करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने चलती हूँ, उसी तरीके से आपको भी अपना जो आपका डिवाइस है उसमें आपको करते चलना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम किसी भी एक जो आपको ऑप्शन है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, गूगल या फिर क्रोम, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे गूगल में ओपन कर रही हूँ, आप चाहें तो गूगल या फिर क्रोम जिसमें भी आपको ईजी पड़ता है आप उसमें ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है, और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक वेबसाइट है वो सर्च करनी है। तो फ्रेंड्स, वो वेबसाइट क्या है चलिए मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सर्च करना है LIC India.in। फ्रेंड्स, आपको लिखना है LIC India.in, सिर्फ आपको इतना लिखना और आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से जो पेज है वो आपका आ जाएगा। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डेस्कटॉप मोड में करने से यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम है कि आपको फ़ोन में काफ़ी छोटा छोटा यहाँ पे नज़र आएगा, ये चीज़ बड़ी नहीं होगी तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, आपको डेस्कटॉप मोड से हटा के नॉर्मल जो आपका विंडो है उससे आप ये काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा डाउन आना है। फ्रेंड्स, डाउन आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाउ मे वी हेल्प यू टुडे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, बाय ऑनलाइन, लॉग इन टू कस्टमर पोर्टल,
फिर प्रीमियम ऑनलाइन, अदर ऑनलाइन सर्विस। तो फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बाय ऑनलाइन के बाद सेकंड हमारा ऑप्शन है लॉग इन टू कस्टमर पोर्टल। तो आपको क्या करना है, लॉग इन टू कस्टमर पोर्टल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दिस इज एक्सटेंडेड लिंक, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स ओके, क्योंकि ये हमें दूसरे पेज पे लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोटिफिकेशन को यस कर देना है, अदरवाइज ये आपका पेज है ये ओपन नहीं होगा। फ्रेंड्स जब आप इसको ओपन कर देते हैं, यहाँ पे हमारा जीवन आधारित प्लान, क्योंकि नया प्लान है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। इसके फीचर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप इसको कट कर दीजिए। दोस्तों कट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है, यहाँ पे आपको पांच ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन है बाय ए न्यू पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन है लॉगिन, चौथा है हमारा सर्विस और पांचवा है क्विक पे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है लॉगिन का, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको फ्रेंड्स क्या करना है, क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे यूज़र आईडी, ओटीपी, ये सब चीज़ें मांग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए है जिनकी की कस्टमर आईडी ऑलरेडी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पे देखना है साइन इन के नीचे, फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ चीज़ें मांगेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये पॉलिसी नंबर मांग रहा है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम मांग रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको क्या करनी होंगी, फिल करनी होंगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन नंबर और पासवर्ड, पैन नंबर और पासवर्ड इन दोनों में से आपको एक चीज़ यहाँ पे डालनी है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें डाल देती हूँ, आप भी यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। जैसे फ्रेंड्स पहले आपको क्या डालना है, पॉलिसी नंबर, उसके बाद दूसरा आप यहाँ पे आपको डालना है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट जीएसटी, विद जीएसटी नहीं डालना है, सिस्टम अपने आप उठाता है, आपको विदाउट जीएसटी डालना है आपका जो प्रीमियम जाता है वो। उसके बाद आपको क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट टाइम मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल और पैन, ये सारी चीज़ें डाल के आपको फ्रेंड्स आगे आई कन्फर्म द मोबाइल नंबर मेंशन अब इस रजिस्टर्ड अंडर माई नेम एंड बीइंग यूज बाय मी, यानी कि आप यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नंबर यूज़ किया जा रहा है ये मेरा ही नंबर है और मेरा रजिस्टर्ड नंबर। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल दी हैं, आपको भी इस तरीके से सारी अपनी डिटेल्स डाल देनी है। सबसे पहले पॉलिसी नंबर, उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट जीएसटी, नेक्स्ट उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर चूज कर लेना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, पैन नंबर और फ्रेंड्स इतना आपको करने के बाद लास्ट में अपना क्या यहाँ पे टिक कर देना है। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है, मैं भी यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ। दोस्तों ऐसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे डिटेल रिकन्फर्मेशन का मैसेज आएगा, यानी कि मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन ये आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसको नो करके फिर से फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यस कर दिया तो आप इसको दोबारा से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, मेरी सारी डिटेल सही है, तो मैं आगे इसको यस के लिए प्रोसीड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे जो है वो बन चुकी है, यहाँ पे जो मेरी आईडी थी वो यहाँ पे बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर दूँगी जो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा हो, यानी कि कोई भी आप भी एक टफ पासवर्ड कीजिएगा जिससे कि वो आपको ही पता रहे, कोई और आपका जो पोर्टल है उसको यूज़ ना कर सके। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे अपना कोई एक पासवर्ड यहाँ पे मैंशन कर देती हूँ। फ्रेंड्स पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे सबमिट पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स मैं भी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है वो अपडेट हो चुका है, और अब मैं यहाँ पे लॉगिन के लिए क्लिक करती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको भी क्या करना है, यहाँ लॉगिन के लिए क्लिक करना है और पासवर्ड अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, यूज़र आईडी या फिर ओटीपी। तो फ्रेंड्स अगर आप कई बार क्या होता है कि आप अपनी यूज़र आईडी भूल जाते हैं तो आप अपने ओटीपी से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ओटीपी पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करोगे आपके पास एक ओटीपी आएगा जिससे कि आप अपना जो पोर्टल है उसको आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपको यूज़र आईडी पता है तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी जो है डाल के प्रोसीड करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आगे प्रोसीड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने तो यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे बना रखी हैं, तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर दूँ। तो फिर यूज़र आईडी में आपको यूज़र आईडी, ईमेल या फिर मोबाइल नंबर कुछ भी एक चीज़ डालनी है, तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देती हूँ।
और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देती हूँ। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, सेंड वेरिफिकेशन लिंक और स्किप एंड प्रोसीड। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पोर्टल जो है हो चुका है। यहाँ पे आप लेटर पे क्लिक कर देंगे, आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो कस्टमर का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपकी पॉलिसीज आपकी कितनी है, सेल्फ की पॉलिसी, स्पाउस पॉलिसी, चिल्ड्रंस पॉलिसी, ऑल पॉलिसी। यहाँ पर नीचे आता है माई ऐप। तो फ्रेंड्स माई ऐप में आपको नो अवर प्रोडक्ट, बेसिक सर्विस, प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम सर्विस, सारी आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड का भी ऑप्शन है। आप यहाँ पे डैशबोर्ड में यानी कि कितनी आपकी पॉलिसी है, टोटल आपका कितना क्या है, वो सारी चीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे आप बैक आ सकते हैं। बैक आने के बाद फ्रेंड्स प्रीमियम पेमेंट आपकी कितनी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं, रिन्यूअल, प्रीमियम, रिवाइवल, एडवांस। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं एडवांस में भी आप पे कर सकते हैं, टॉपअप, प्रीमियम, लोन इंटरेस्ट पेमेंट, लोन रीपेमेंट, सब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ पे बैठ कर सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल, चेंज प्रोफाइल जो आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी इजी ये चीज़ें होती हैं। बेसिक सर्विसेज में आपको सारी सर्विस मिल जाती है, ऑनलाइन पेमेंट, जैसे प्रीमियम कैलेंडर, पॉलिसी शेड्यूल, पॉलिसी स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी कि कब आपका प्रीमियम जाता है, कब ड्यू होता है, सब यहाँ पे आ जाएगा। एड न्यू पॉलिसी, क्लेम स्टेटस, लोन स्टेटस, रिवाइवल कोटेशन, इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसी, एसएसएस प्रीमियम, फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग अपना कस्टमर पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारा कस्टमर पोर्टल बन चुका है। फ्रेंड्स अगर आप लोग भी इस वीडियो को समझ गए हैं और आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई है तो वीडियो को औरों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि काफ़ी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स आई होप आपकी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे की और नई वीडियोस के लिए आप माय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिना सब्सक्राइब किए फ्रेंड्स बिल्कुल भी ना जाइए। फ्रेंड्स इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।